मामला जनपद संभल के चंदौसी का है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जिला सामूहिक अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां मंत्री जी के पहुंचते ही अस्पताल स्टाफ के हाथ पांव फूल गए और अस्पताल में जैसे अफरा तफरी मच गई। गुलाब देवी ने अस्पताल में हर कक्ष में जाकर वहां का मुआयना किया और कमी पाए जाने पर स्टाफ की जमकर फटकार लगाई और आगे से सारी कमी और साफ सफाई रखने को कहा। वहीं डिलीवरी रूम में गंदगी देखते ही मंत्री साहिबा भड़क गई और डॉक्टर्स को जमकर फटकार लगाई। मंत्री ने मरीजों से खुद मिलकर उनकी परेशानी को जाना और पूछा, अस्पताल में कोई और परेशानी तो नहीं है? अब देखने वाली बात यह है कि हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो उत्तर प्रदेश एक दिन उत्तम प्रदेश के रूप में निखर कर आएगा। आपने अभी स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी का औचक निरीक्षण किया, इसमें क्या कमियां पाई? देखो, अगर हम कमियां ढूंढेंगे तो बहुत सारी निकलेंगी। कुल मिला के इस समय व्यवस्था सही चल रही है। इसमें जो कमी है कि हमारा फोर्थ क्लास स्टाफ है वो कम है, उसकी हम व्यवस्था करेंगे और सीएमओ से बात करेंगे। अभी बताया है कि यहाँ पर एक्सरे होने की कोई व्यवस्था, मशीन तो है लेकिन ऐसे टेक्नीशियन वगैरह नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये इनकी भी व्यवस्था हम करें, मेड को लीगल बाहर भेजने पड़ा। अच्छा, अभी जो डिलीवरी रूम है उसमें आपने देखा, उसमें कुछ खामियां पाई आपने, वो क्या था? सफाई के लिए कहते आए, खाने में थोड़ी सी लापरवाही तो है ही, तो उसमें आगे से हम देखते हैं, फिर आते हैं। Thank you.